प्रधानमंत्री ने कहा आरोग्य सेतु ऐप 20 करोड़ यूजर्स के साथ डेवलपरों के लिए उपलब्ध कोविन पोर्टल अब जल्द बनेगा ग्लोबल छत्तीसगढ़ का रामवन गमन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री ने दिए पर्यटक स्थलों के विकास के निर्देश जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित और बिलासपुर की शिक्षिका की अनूठी पहल प्रिंटरीच थीम के माध्यम से गांव के बच्चों को दे रही शिक्षा नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं भट्टाचार्य समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है उन्होंने सभी देशों को इसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बातें कही उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है इस वर्चुअल बैठक में देश में विकसित कोविन प्लेटफॉर्म को 142 देशों के प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया इसका उद्देश्य विश्व को डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है Our technology platform for COVID vaccination. The platform we call COVID is being prepared to be made open source. Soon it will be available in any and all countries. A few days ago, we vaccinated about nine million people in one day. They do not need to carry around. Fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format, but best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई बाधा नहीं है इसलिए भारत में तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव हो सका कोविन ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप ओपन सोर्स बनाया उन्होंने कहा कि 20 करोड़ यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप डेवलपरों के लिए उपलब्ध है इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम के अपने प्राचीन दर्शन में विश्वास व्यक्त किया है जिसका अर्थ है समूचा विश्व एक परिवार है उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव इसी दर्शन का जीवंत उदाहरण है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राम वन वनगमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वन गमन की स्मृतियों को जीवंत करने के लिए कोरिया से सुकमा तक पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ की प्रगति सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान ये बातें कही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं इसलिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया जाए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ कई सुंदर जलप्रपात भी हैं इसलिए इन स्थलों में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था सहित अन्य ज़रूरी सुविधाएं विकसित की जाएं बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ की प्रगति की जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में नौ स्थलों का विकास किया जा रहा है जिनमें कोरिया का सीतामणि हरचौका सरगुजा का रामगढ़ जांजगीर चापा का शिवरी नारायण बलौदाबाजार का तुरतुरिया रायपुर का चंदगुरी धमतरी का सप्तऋषि आश्रम सिहावा और सुकमा का रामाराम शामिल हैं चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर परिसर में तीन चरणों में कार्य किया जा रहा है जिसमें से प्रथम और दूसरे चरण के 90 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं बैठक में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य सचिव अमिताभ जैन मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगवा मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी पर्यटन विभाग के सचिव अनबलगन पी तथा पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक यशवंत कुमार भी मौजूद थे खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर खाद की किल्लत को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है तो वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया खाद कहां गया और किसके संरक्षण में खाद की कमी बताकर कालाबाजारी की जा रही है श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों को मांग के अनुरूप बिना भेदभाव के यूरिया डीएपी और अन्य उर्वरक भेजे गए हैं दुर्भावनावश राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने केंद्र सरकार पर गलत आरोप लगा रही है केंद्र सरकार के डाटा से साफ है कि 2 जुलाई 2021 तक यूरिया का क्लोजिंग स्टॉक 1.69 पॉइंट सिक्स लैक्स मेट्रिक टन डी का क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट सेवन लैक्स मेट्रिक टन एम का क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट फोर लैक्स मेट्रिक टन और एन का क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट सेवन मेट्रिक टन ये उपलब्ध है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है अब सवाल उस उठता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक में खाद है तो फिर इसकी कमी क्यों बताई जा रही है? वहीं इस मामले में सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से पांच लाख पचास हजार मीट्रिक टन यूरिया की मांग की थी जिसके विरुद्ध अब तक दो लाख तैतीस हजार मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई है इसी तरह डीएपी और एनपीए खाद भी मांगे गए अनुपात के विरुद्ध कम दी गई है इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वस्तु स्थिति को जानने के बाद ही बयानबाजी करें उर्वरक का आवंटन था डी और यूरिया में एक लाख मेट्रिक टन का बैकलॉग आखिर तक बना रहा छत्तीसगढ़ में किसानों के सामने ये संकट पूरे जून माह में धान की रोपाई और बुवाई के लिए बना रहा अब जुलाई माह में जो आवंटन है उसके रेक आने अभी शुरू हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई माह में जून माह का जो बैकलॉग है उसकी पूर्ति करके आवंटन कर दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में मानसून और बारिश काफी अच्छा हुआ है तो किसानों को राहत मिल सकेगी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य जोरों पर है और खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने कई जगह सोसाइटियों के सामने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है प्रखर राष्ट्रवादी नेता महान चिंतक और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए डॉ मुखर्जी की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनके साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे भी मौजूद थे वहीं बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर सांसद अरुण साव सहित अन्य भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए इस अवसर पर सांसद अरुण साव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद चिंतक व जनसंघ के संस्थापक थे आज उनकी जयंती के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए जनसंघ के संस्थापक प्रखर शिक्षाविद राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जयंती है छः जुलाई भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुण्यतिथि तेईस जून से लेकर उनका जन्मदिवस छः जुलाई तक पूरे देश भर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया है आज उनकी जयंती थी हम सब ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आज पूरे देश भर की तरह बिलासपुर जिले के भी विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है डॉक्टर मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर बिलासपुर में कई स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया गया इधर राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय में भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यालय परिसर में सांसद सुनील सोनी एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल समेत अनेक भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्वासुमन अर्पित किए कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं बिलासपुर जिले की शासकीय प्राथमिक शाला गुरु की सहायक शिक्षिका कल्याणी यादव ने ऐसी एक तरकीब अपनाई है जिससे बच्चों को अपने घरों के आसपास ही स्कूल जैसा माहौल मिल रहा है शिक्षिका ने बताया कि उन्होंने प्रिंट रीच की थीम पर गाँव में बने घरों की दीवारों पर ज्ञानवर्धक चित्र उकेरे हैं जिसमें हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी के बड़े अक्षर मात्राएं गिनती पहाड़ा गणिति आकृतियां कहानियां तथा बालिका शिक्षा संबंधी चित्र बनाए गए हैं इसमें कोई क्लास का बंधन नहीं है कि कौन से क्लास के बच्चे पढ़े जिनको भी इससे शिक्षा मिलती हो चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो तो वो जो है इस सब चित्रों को देख करके कुछ तो समझेंगे कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस तरीके से मैंने बालिका शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार की चित्रकारी यहाँ पे किया है प्रिंट रिच वातावरण के लिए और ये कारगर भी साबित हुआ है बच्चे इसको देख करके उत्साहित हैं कुछ पालक तो अपने ही दीवारों में बनवाने के लिए चित्र बनवाने के लिए बार बार बोल रहे थे लेकिन उस बीच लॉकडाउन लग गया तो इतने चित्र मैं बना पाई हूँ और भविष्य में और भी मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों के लिए और बेहतर काम करूँ गांव के बच्चों का कहना है कि अपने आसपास रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री उपलब्ध होने से हम सभी बेहद उत्साहित हैं। इससे हमें घर के आसपास ही पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है कल्याणी यादव मैडम लॉकडाउन में सभी जगह चित्र बना बनाकर सभी बच्चों को समझा चाहिए थी जो पढ़ नहीं पाए थे वो उन्ही को देख कुछ सीख रहे थे जैसे की जामिति आकृतिया कौवा की कहानी कमा की कहानी गुंती और वहाँ पर वो मात्रा कोरोना वाला योग ये सब बताना चाहिए बताया गया है कि शिक्षिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2018 में शिक्षा दूत अलंकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा यूट्यूब चैनल का लिंक और क्यू कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने Android फोन से क्यू कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं इसके अलावा छत्तीसगढ़ डी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा आरोग्य सेतु ऐप 20 करोड़ यूजर्स के साथ डेवलपरों के लिए उपलब्ध कोविन पोर्टल अब जल्द बनेगा ग्लोबल छत्तीसगढ़ का राम वन गमन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री ने दिए पर्यटक स्थलों के विकास के निर्देश जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित और बिलासपुर के शिक्षिका की अनूठी पहल प्रिंट रिच थीम के माध्यम से गांव के बच्चों को दे रही शिक्षा कोरोना से बचाव के लिए मास्क सेनेटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार